मैं फ्रॉम क्लास 9 गवर्नमेंट आना गर्ल्स हाई स्कूल। मैं आज आपको वैक्यूम क्लीनर के बारे में बताऊंगी। वैक्यूम क्लीनर एक ऐसा आला है जिसकी मदद से हम घरों की सफाई करते हैं। वैक्यूम क्लीनर की मदद से हम कालीन पर पड़े छोटे से छोटे कचरे को भी आसानी से उठा सकते हैं। वैक्यूम क्लीनर को हिबर्ट सीसिल बोथ ने 1900 में इजाद किया, लेकिन ये वैक्यूम क्लीनर गवर्नमेंट आमनगर हाई स्कूल की 2016 की इन्वेंशन है, जिसे हमने नकहा चीज़ों की रिसाइकलिंग के नतीजे में बनाया है। ये आजकल सफाई करने का अजीम और एक मॉडर्न तरीका है। वैक्यूम क्लीनर को 8 हिस्से होते हैं: स्टैंड, पाइप, बोटल, हुक, फैन, मोटर और ये बैटरी। वैक्यूम क्लीनर को जब चलाते हैं तो इसके अंदर पंखा ऑन होता है और अंदर मौजूद हवा इन सुराखों के जरिए बाहर खारिज हो जाती है और अंदर खुला पैदा होती है। खुला पैदा होगी तो इस पाइप के जरिए हवा अंदर आएगी और इसके साथ कचरा भी अंदर आएगा।